नमस्कार, मैं अनिल सकरवाल और आज अपने गवर्नमेंट स्कूल देवदान जिला बांसवाड़ा की लैब में है और आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं। मेरे साथ हैं हमारे विद्यालय के अभी पदस्थापित हुए लैब असिस्टेंट उमेर प्रसाद भगोरा जी, जो वीडियो बना रहे हैं अभी। और हम आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें, जो कक्षा 12 के सिलेबस में है, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में, सीबीएसई में, सभी में है ये प्रैक्टिकल, जो है अर्धविक्षेप विधि से दक्षता ज्ञात करना, हाफ डिफ्रेक्शन मेथड बोलते हैं इसको, और दक्षता ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो दक्षता होता क्या है, और दूसरा हम इसके अंदर बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या अपरेटस चाहिए, तीसरी बात करेंगे हम इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, और फिर बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। तो ये सारी बातें अगर आप समझ लेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को करने में कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी तरह की, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब शुरुआत से सबसे पहले बात करते हैं दक्षता क्या है। धारा मापी अपने पास नॉर्मली ये ले लेता हूँ मैं, ये अपने पास धारा मापी है कोई, और ये दो चीजें बताता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ करंट और दूसरा बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा भी बताता है और धारा की उपस्थिति। अगर करंट फ्लो रहा है तो इसकी नीडल जो है वो अब जीरो पे दिखाई दे रही है, तो जीरो पे नहीं होती है, जिस डायरेक्शन में फ्लो रहा है करंट उसी डायरेक्शन में मूव करती है। अब हम बता रहे हैं कि इसका दक्षतांक, इस दक्षतांक का मतलब है कि ये जो धारा मापी है वो वोल्टमीटर की तरह भी काम कर सकता है, एमीटर की तरह भी काम कर सकता है, ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इसके जो एक दोनों तरफ 30-30 लाइनें रहती हैं, किसी भी तरफ की अगर हम लें तो एक खाना इसका जो है, एक लाइन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हर मीटर क्या होता है अलग अलग वैल्यूज बताता है। जैसे कोई मीटर 10 वोल्ट का है अगर, तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 10 वोल्ट है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है लाइनों में, किसी में 30 भागों में डिवाइड हो सकता है वो, 60 भागों में डिवाइड हो सकता है, 50 भागों में हो सकता है, 100 भागों में हो सकता है। तो हम उसका लीस्ट काउंट लेते हैं, अल्पत मांग लेते हैं कि एक खाने की वैल्यू क्या होगी। उसी तरह से हम इसमें एक लाइन पे एक खाने का जो धारा मापने का मान है इसका, कितनी धारा मेजरमेंट कर सकता है ये, वो इसका दक्षतांक होता है। एक बात तो ये, अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल जो अपरेटस दिखाई देना आपको वो है अपने पास, इसको बोलते हैं HRB, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लंबाई ज़्यादा होती है और इसके अंदर आपको 10,000 ओम तक के रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर दिखाई देते हैं, जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है, ये 10,000 ओम तक के रेजिस्टेंस हैं। एक होता है RB, इसको बोलते हैं RB रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आप छोटा कोई भी ले सकते हैं, हमें इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 ओम तक की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली अपने पास जो लैब में होता है वो 500 ओम तक का रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। फिर आता है ये गैलोनोमीटर है, जिसका हम दक्षतांक निकालेंगे, ये वो धारा मापी है। इसके साथ एक बैटरी हमने लगाई है जिसमें 1.5 वोल्ट के 2 सेल यूज़ किए गए हैं, 3 वोल्ट है इसका EMF है, विद्युत वाहक बल है। उसके साथ हमने की लगाई है। अब इसका संयोजन कैसे किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। HRB जो होता है, HRB हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, उच्च प्रतिरोध बॉक्स, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसके साथ, धारा मापी के साथ। तो आपको ये कनेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये ध्यान रख लेंगे कि इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है तो हमें पता चल जाएगा। RB जो होता है, ये छोटा प्रतिरोध बॉक्स जो होता है, इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम एक तरफ के एक पॉइंट पे, दूसरे तरफ के दूसरे पॉइंट पे। तो इसका जो वायर है वो एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, दूसरा वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जब हमें इसमें करंट फ्लो करवाना है अपनी मर्जी से, जब हटाना है, तो उसके लिए बीच में की लगा देंगे। इस की से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन पे, ये डिसाइड नहीं करती है, इसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है, इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से जोड़ दो, एक वायर इसकी इसके गैल्वेनोमीटर के एक कॉर्नर पे, दूसरी दूसरे कॉर्नर पे, क्लियर। ये इसका कॉम्बिनेशन इतना हो चुका है। अब अपने बात करते हैं दूसरा, इधर पे आते हैं। बैटरी डिसाइड करती है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। अगर बीच में बैटरी लग जाती है तो ये श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन हो जाता है, कि इसका एक जो सिरा है उसको हम बैटरी के एक सिरे से जोड़ दें, दूसरे सिरे को फिर की से जोड़ दिया ऑन ऑफ करने के लिए, फिर उसका अगला सिरा दूसरे सिरे पर गया, दूसरा सिरा इसका इधर यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ गया। तो गैल्वेनोमीटर से दोनों वायर इधर आ रही है, दोनों वायर इधर आ रही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, लेकिन इधर बैटरी जोड़ दी तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, बीच में लाइन से जुड़ गई, और इधर हमने
बैटरी नहीं जोड़ी है, डायरेक्ट जोड़ा है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी व्यवस्था। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है, मैंने फाइल ले रखी है, इस फाइल के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जहाँ ज़रूरत होगी लिखने की तो उस प्रकार से मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले आपको फाइल लिखने का तरीके के लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे, अभी इसके अनुसार बता देते हैं। उद्देश्य अर्ध विक्षेप विधि से धारा मापी का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा दक्षता ज्ञात करना, दोनों चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी इसमें। तो आपको उद्देश्य लिखना है, उपकरण आपको देख के लिखना है, कुछ भी किताब से याद करने की जरूरत नहीं है, जो सामने लिखे हैं वो लिख दो, क्या क्या है, धारा मापी है आपके पास, ठीक है, निम्न प्रतिरोध बॉक्स है, उच्च प्रतिरोध बॉक्स है, कुंजी है, बैटरी है, सेल है, सब जोड़े गए हैं वो लिख दो। किस सिद्धांत पे काम करते हैं ये आपको इसके अंदर लिखना है, कि एक्स एन की जो वैल्यू है वो होती है 1/n E/RH+G। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इसका जो फॉर्मूला है, इसका सूत्र दक्षता ज्ञात करने का, x से लिखते हैं इसको 1/n E/RH+G। अब यहाँ ये क्या क्या वैल्यूज है ये हमें निकालनी है, इसकी हम बात करेंगे। n तो क्या है, n तो है खानों की संख्या विभागों की संख्या लिख देते हैं इसको। e क्या है, EMF है बैटरी का, नॉर्मली हमें 3 वोल्ट ही लेना है, हालांकि कभी कभार हमारे सेल डिस होते हैं तो वो पूरा नहीं होता, 2.8 होता है, 2.7 होता है, लेकिन अपने को कैलकुलेशन में हम इसका मैक्सिमम लेके चलेंगे, जो अपने 3 वोल्ट मानते हैं तो 3 वोल्ट ही लेकर चलेंगे इसको। फिर बात आती है RH क्या है, RH है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया गया प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रॉम HRB, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया गया है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, RH। G क्या है, धारा मापी का माध्य प्रतिरोध, धारा मापी का माध्य मीन वैल्यू। तो ये तो सभी के अंदर कॉमन ही रखना है, अभी बात कर लें कैसे निकालना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू E का मान हमेशा 3 रखना है, HRB हम यहाँ से लेंगे, G का जो मान है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे, N का मान लेंगे। अर्ध विक्षेप क्यों कहते हैं इसको, अब उसकी बात कर लेते हैं हम पहले, और फिर इसकी हमें टेबल बनानी है। टेबल देखो, सबसे पहले लिखने का तरीका उद्देश्य है, उपकरण, फिर आपको लिखना है इसमें सिद्धांत, सिद्धांत के बाद में आपको यहाँ प्रेक्षण में लिखना है विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट लिया गया, 3 वोल्ट, और धारा मापी के एक और किसी भी और ले लें, खानों की संख्या कितनी है, 30 है। उसकी बात आती है बात इसकी सारणी की। देखो जहाँ आप ये पहले पेज भी ये चीज़ें लिखते हैं, इसके सामने इसका परिपथ चित्र बना दें, बुक से देख लें, उसके अनुसार बना लें ये, और फिर जहाँ प्रेक्षण है प्रेक्षण के नीचे हमें बनानी है प्रेक्षण सारणी। इसके भाग होंगे, देखो क्रम संख्या 6 रीडिंग लेनी है हमें राजस्थान बोर्ड के अनुसार। HRB में प्रयुक्त प्रतिरोध RH, इसमें से जो लेंगे हम, इसमें से जो लेंगे वो HRB का होगा, ठीक है। फिर आती है धारा मापी में विक्षेप अंश N, कि इसमें कितने खाने मान आ रहे हैं वो हमें अभी देख लेंगे। फिर अर्ध विक्षेप, उसको आधा कैसे होगा वो, उसके हाफ, उसके लिए कितना प्रतिरोध हमें यहाँ से निकालना पड़ा है वो प्रतिरोध अर्ध विक्षेप के लिए RB में प्रयुक्त प्रतिरोध, और फिर इसका माध्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। और ये जो कैलकुलेशन है वो हमें यहाँ करनी है, जैसे आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ करनी है दक्षतांक के लिए, कि 1/n E/RH+G। तो पहली रीडिंग के लिए रखेंगे सारे मान, गुणा भाग करके उत्तर निकाल लेंगे, वो यहाँ लिखना है, और फिर लास्ट में क्या निकालना है, माध्य। मात्र क्या इसका एम्पियर प्रतिभाग, यानी एक खाने में कितने एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो अब देखते हैं। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करना कैसे है वो देखो, इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, निम्न प्रतिरोध बॉक्स को समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध बॉक्स को श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब देखो जैसा अभी बताया मैंने कि इसको तो समांतर क्रम में जोड़ना है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, बैटरी लगा देनी है। अब क्या करना है, आपको ये की नहीं लगानी है, कौन सी, निम्न प्रतिरोध बॉक्स वाली ये नहीं लगानी है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ये की लगानी है उच्च प्रतिरोध बॉक्स वाली। जैसे ही हम ये लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो धारा मापी सुई है वो आपको हिलती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक तरफ एक कॉर्नर पे जाके लास्ट में टच हो जाएगी, ये दिख रही है, ये बिल्कुल लास्ट में लग गई,
इट मीन्स दिस इज़ आउट ऑफ मेजरमेंट, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, इसका मान नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो 30 से भी आगे चली गई। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लेवल में लाना पड़ेगा। लेवल में लाने के लिए हम यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे, उच्च प्रतिरोध बॉक्स में। प्रतिरोध का मान कितना भी लिया जा सकता है, आप 1000 से ऊपर ही ट्राई करें, सभी में अलग अलग वैल्यूज आएंगी, सेल पे डिपेंड करेगा इसका मान। अगर पूरे चार्ज हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा भी जा सकती है, थोड़ी कम भी रह सकती है। 1000 से ऊपर तो कम से कम आएगी, 2000, कहीं 3000, 4000 तक भी जा सकती है इसकी वैल्यू, 5000 तक भी जा सकती है। तो अब आप इसका जैसे ही प्रतिरोध निकालेंगे तो ये सुई क्या वापस पीछे की तरफ आएगी लेवल में, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, क्योंकि ये अर्धविक्षेप विधि है, खाने आधे करने होते हैं, आधे करने, तो आधे क्या होते हैं, अगर 28 के करेंगे तो 14 हो जाएंगे, 26 के करेंगे तो 13 हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो 13 ही आ रहे हैं या 27 आ रहे हैं तो उसके 13.5 खाने कैसे मेजरमेंट, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखनी है कि हमें जैसे ही हम इसमें से प्रतिरोध निकालेंगे तो ये इनके खाने जो है वो सुई जो है वो सम संख्या में रहे उस हिसाब से। तो जैसे हम प्रतिरोध निकालेंगे सुई पीछे आएगी, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल लेता हूँ इसमें 2000 का निकाल लेता हूँ, 2000 में इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ये शायद सुई थोड़ा सा अटक रही है इसकी, दोबारा देख लेते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, तब ये मैक्सिमम पे है। जैसे ही 2000 का प्रतिरोध निकाल लिया ये सुई पीछे आ गई, आ गई। अब ये सुई जो है ये 25 पे है, ये 25 पे जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तो आप एक्चुअली देख लें जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें इस तरह से करना है, सारणी जैसे मैंने बताई थी बुक में आपके पास व्यवस्थित होगी, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। क्रम संख्या है, ठीक है, HRB से लिया गया प्रतिरोध, HRB प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो प्रतिरोध ले रहे हैं उसको RH कह रहे हैं, ठीक है। तो क्रम संख्या पहली रीडिंग है, ठीक है, फिर ले रहे हैं यहाँ से इसमें अंश, धारामापी में अंश, अंश का मतलब खानों की संख्या, कितने खानों पर है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको ले रहे हैं N। अब कर रहे हैं इसका N/2, तो N/2 तो इसी का N/2 होगा। अब देखो अगर 25 पे आ रहा है तो 25 नहीं लेना है हमें, हमें या तो इसको 26 करें या 24 करें। तो अगर हम थोड़ा प्रतिरोध और निकालेंगे तो थोड़ा सा और पीछे आ जाएगी ये निडल। तो जैसे हम इसमें निकाला हमने 2000, तो हम 200 ओम निकाल के देख लेते हैं, 200 ओम निकाल लिया, सुई हिल गई, देखो आपको दिखाई दे ही जाएगी ये हिलती हुई, 25 है। अब देखो हो गई पीछे, ये 24 पे आ गई। तो जैसे मैंने निकाला 2000, इनको जोड़ दो अब आप 2000 और 200, तो ये हो गया 2200। हमने कितना प्रतिरोध निकाल लिया, 2200। अब इसमें कितने खाने हो गए, 24। अब इसके आधे करेंगे तो कितने रहने चाहिए, 12। अब हमें इसमें 12 करने के लिए इसमें से प्रतिरोध लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये सुई लगाएंगे, ये नीडल इसके अंदर लगाएंगे, ये सॉरी की लगाएंगे, जैसे ही की जैसे ही इसके अंदर लगाएंगे ये 0 पे आ जाएगी नीडल, इसकी 0 पे आ गई, धारामापी में जो विक्षेप है वो कहाँ आ गया, 0 पे आ गया, 0 पे। अब हम जैसे इसमें से प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे इसमें से प्रतिरोध निकालेंगे वैसे ही क्या होगा, इसका जो मान है वो वापस बढ़ेगा। तो उसको हमें कहाँ पर लाना है, उसको 12 पे लाना है। 12 पे लाने के लिए जो प्रतिरोध लेंगे वही होगा कि RB से लिया गया प्रतिरोध, किससे, RB से प्रतिरोध, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं प्रतिरोध, इसको लिखते हैं R, ठीक है। और ये R जो होगा वही किसके बराबर होगा, वही G के बराबर होगा जो हमें फॉर्मूले में रखना है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं R=G, क्योंकि सबके लिए समान आएगा, ये सबके लिए समान आएगा, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। या आप बाद में इसका माध्य लेकर भी लिख सकते हैं जैसा किताबों में लिखा जाता है जी, वरना आप डायरेक्ट R=G भी लिख सकते हैं, इस कॉलम को छोड़ सकते हैं माध्य वाले। अब देखो इसमें हम देखें, आप 30, 40, 50 से शुरू कर सकते हैं, 60, 70 से देखना हमें कितने पे जाएगा इसका मान। तो जैसे मैंने निकाला यहाँ है ये 50 ओम का प्रतिरोध निकाला, तो ये लगभग 15 पे आ रहा है, लगभग 14-15 पे, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमें थोड़ा कम निकालना पड़ेगा शायद, या बीस ओम का निकाला है तो देखो 10 पे आ गई, 10 पे इधर से 20 निकाला हुआ है, 20 ही है, हाँ 20 में, तो 10 का और निकाल के देख लेते हैं इसमें,
दस का और निकाल लिया तो देखो कितने हो गए, हो गए 12 पे, 12 खाने, तो इसका मान आ गया कितना, 30 ओम, कितना ओम, 30 ओम आ गया इसके मान। अब ये देखो, ये जब आप सभी के लिए करोगे तो सभी के लिए कॉमन ही रहेगी ये रीडिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मान कॉमन ही रहेगा। तो बेसिकली ये अपना जो कैलकुलेट जो प्रैक्टिकली रीडिंग थी वो हो गई है, इसी को ही हमें रिपीट करना है, बस इसी को ही रिपीट करना है। अब देखो दूसरी रीडिंग जब हम लेंगे तो अब क्या करना है, अब हमें अब वापस इसको हम निकाल देंगे। इसके लिए कैलकुलेशन आप ध्यान रखें, एक कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ आपको, जैसा इसके अंदर आपको दिख जाएगा इजी वे में, कि आपको लिखना है प्रथम परीक्षण के लिए एन का मान 26, जैसे अपना 24 आया है तो 24 लिख लेंगे। आर एच का मान लिख दो कितना है, जैसे इसमें फाइल में 2500 इनका आया हुआ है तो अपना 2200 आया है तो 2200 लिख देंगे, ठीक है। जी का मान 60 है, अपना 30 आया है तो 30 लिख देंगे, और ये मान सारे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और गुणा भाग करिए सोल्व करेंगे तो 0.0000 समथिंग आंसर आएगा। आप इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको लिखा जाता है 10 की पावर -5 की फॉर्म में, मात्रक होता है एम्पियर प्रति भाग, ये खाने का कितना मान होना चाहिए वो। तो ये आप इसके अंदर इस तरह से कैलकुलेशन, फिर जब दूसरी करेंगे तो फिर उसी का ही फिर दोहरान करना है वापस शुरू से, दूसरे प्रेक्षण के लिए। तीसरी के लिए करना है तो तीसरी के लिए भी वैसे ही करना है, चौथी के लिए करना है तो चौथी के लिए भी वैसे ही करना है, सभी में उसी तरह से अपने को करना है। अब दूसरी रीडिंग में वैसे ही बता देता हूँ नॉर्मली, बार बार अपना ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसके अंदर। तो अब आप क्या करोगे, वापस इसको निकाल देंगे और इसको आप देख सकते हैं कि ये जब जैसे इसको निकाल दिया तो इसका तो कनेक्शन हट ही गया, वही कनेक्शन है जो पहले वाला था। तो आप वापस जीरो से शुरू ना करके उसी को आगे बढ़ा दें, दूसरी रीडिंग लेंगे तो अब देखो, अब हमने 2200 निकाल रखा है तो 2200 पे 24 खाने हैं, वही दिख रहा है हमें अभी भी। अब क्या करो, थोड़ा सा बढ़ा के दो खाने और नीचे ले आओ, इसको दो डिजिट और नीचे ले आओ। उसके लिए आपको हो सकता है 200 300 400 और बढ़ाना पड़े तो बढ़ा लो। जैसे देखो, जैसे हमने एक रीडिंग ले ली, दूसरी रीडिंग में भी सेम हमें उसी तरह से करना है, वही प्रक्रिया दोबारा रिवाइज करनी है सेम उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस की को तो हटा देंगे, आरबी वाली की को हटा देंगे और फिर देखेंगे वापस वो की वो पोजीशन है तो वही 24 खाने पे आपको दिखाई देगा, ये वैल्यू 24 खाने पे दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगली रीडिंग लेनी है तो कुछ और वैल्यू पे लेनी है, इसलिए हम क्या करेंगे 24 से दो कम कर ले, 22 पे ले आए, 20 पे भी ला सकते हैं, 18 पे भी, लेकिन हमें 6 रीडिंग लेनी है तो हम 22 फिर 20 फिर 18 फिर 16 फिर 14 यूँ करते करते नीचे लाते रहे। तो जैसे अब इसको और नीचे लाना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपने यहाँ से इंक्रीज करके आप कितना भी देख सकते हैं कि 2200 निकला हुआ है और निकाल के देख लो 100 200, जैसे मैंने 200 निकाला है तो ये इसके खाने 22 पर आ गया, तो अपने लिख देंगे 22, ठीक है। और कितने पे आया है वैल्यू, 2400 पे, ठीक है। अब 22 के कितने करने हैं, 11, तो अब 11 करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, अगर आपने सही सिस्टम से इसको सेट कर रखा है तो ये एक्चुअल वो की वो रीडिंग ऑटोमेटिक देगा। अब आपको केवल ये लगा के चेक करना है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो ये देखो 11 पे दिखा रहा है ये, बिल्कुल आप इसको थोड़ा फोकस करके दिखा दो, ये बिल्कुल 11 पे दिखा रहा है ये, कि नीडल जो है वो 10 से थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है। तो हो गया इस तरह से, इसका जो मान है वो उतना ही रहेगा 30 ओम, इसीलिए आप ये कॉलम हटा भी सकते हैं, आर इजिकल टू जी रख सकते हैं। हो गया दूसरी रीडिंग, अब तीसरी रीडिंग में फिर वही करना आपको, सेम प्रोसीजर, इसको निकाल देंगे, सुई वहाँ 22 पे पहुंच गई। अब आप फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू और 200 बढ़ा के देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है हर बार 200 में इंक्रीज होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 300 में भी हो सकता है, 400 में भी हो सकता है, 500 में भी हो सकता है, तो जितने भी हो रहा है उतने पे अपने को वैल्यू निकालनी है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही कैलकुलेशन आप कर लेंगे सारी, फिर सभी का निकाल लो माध्य, माध्य निकाल लोगे वही परिणाम होगा, वही आपको फिर सारणी के बाद में क्या लिखना होता है, परिणाम लिखना होता है यहाँ, तो परिणाम में लिखेंगे ये कि इतना दक्षतांक इतना प्राप्त हुआ एम्पियर प्रति भाग। फिर लिखना है हमें सावधानियाँ, सावधानियों में आप ध्यान रखो कि सावधानियों में क्या करना है, कभी भी आपको बुक से या रट के या इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप सावधानियाँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रेगमाल है, रेगमाल है, ये जो सेल हम लगाते हैं 3 वोल्ट के सेल होते हैं, जल्दी डिस हो जाते हैं या इनसे करंट में थोड़ी सी भी अगर जंग लगी हुई है वायर में, कहीं थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ज़्यादा चिपक गई, पानी लग गया, जंग लग गया, तो वो करंट आगे फ्लो नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी वायरिंग थोड़ी सी हमें साफ़ कर लेनी चाहिए किसकी, ठीक है। इसलिए पहली तो आप यही कर सकते हो, दूसरी बात
इसके अंदर कनेक्शन है, जैसे यहाँ थोड़ा सा ये पेज लूज रह गया तो अभी ये करंट इसके अंदर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें सामान्य है, अगर आपने ढंग से साफ नहीं कर रखा, बीच में मिट्टी फंसी हुई है, रेत फंसी हुई है, फिर आप की लगा रहे हो तो वो करंट उससे भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये दो चार कॉमन बातें हैं जो आप उसके अंदर लिख सकते हो सावधानियों में, कोई किताब की लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो कि प्रयोग करने से पहले उपकरण को अच्छी तरह से भली भांति साफ कर लेना चाहिए। दूसरा, सारे संयोजन, सारे पेज अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए। तीसरा, कनेक्शन करने से पहले सभी वायर को, सभी तारों को रेजमाल से साफ कर लेना चाहिए। चौथा, जब हम प्रयोग कर रहे हैं तभी की लगानी चाहिए, वरना की निकाल देनी चाहिए, क्योंकि सेल प्रोसेसिंग में रहेंगे, डिस होते रहेंगे लगातार, तो वो भी क्या है, नुकसान ही है, तो वो भी हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब कॉमन बातें हैं, इसमें रीडिंग पढ़ते समय बहुत बारीक रहती है तो देखने में दिक्कत हो सकती है, 25 को 26 पढ़ लेते हैं, 26 को 24 पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए ये भी लिख सकते हो कि रीडिंग पढ़ते समय हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सामान्य जो सभी में काम आएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स के अकॉर्डिंग लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे, प्रैक्टिकल में भी नहीं कटेंगे, और वैसे भी जब आपकी फाइल जांच करवाई जाएगी आप टीचर से, तो वो भी बिल्कुल उसको सही माना जाएगा। तो ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, बाकी हम आगे एक वीडियो के अंदर फाइल कैसे मेंटेन करनी, कैसे बढ़ानी है, कैसे फाइल के नंबर पूरे मिलते हैं, उस पर हम एक वीडियो बढ़ाएंगे डालेंगे, उसके लिए आप देखते रहो। और सारी वीडियोस कंटिन्यू प्रैक्टिकल से संबंधित और थ्योरी 11वीं 12वीं से संबंधित देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जिससे आपको टाइम टाइम पे जो वीडियोज़ है वो सारी उपलब्ध हो जाएगी। और थैंक यू वेरी मच हमारे लैब असिस्टेंट सर का, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया। बाकी अब वीडियो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डालेंगे, अपलोड करेंगे।